नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इस वीडियो में हम कि खेतों में कैसे हम हल जोतते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से हल जोता जाता है और जो बैलों के द्वारा हल जोता जाता है, जिससे हमारी फसल बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब हम उसे ट्रैक्टर से हल जोतते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है कि हमारे जो पैंता थोड़ी देर उसके द्वारा जो हमारे बैल होते हैं, जो हमारे खेत होते हैं, उनमें जुताई सही से नहीं होती। और इसमें क्या होता है कि जब हम हल के द्वारा खेत को जोतते हैं तो आप देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हम बीज बोते हैं वो बिल्कुल छिप जाता है और ट्रैक्टर के द्वारा जो हमारा बीज बाहर आ जाता है। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं हल कैसे जोता जाता है। आप देखो इस वीडियो में हल को कैसे जोता जाता है और कितना छोटा बच्चा है जो इसको हल को जोत रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइव दिखा रहे हैं आपको कि हल कैसे जोता जाता है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ट्रैक्टर के द्वारा हमारे जो खेत होते हैं उनकी जो मिट्टी होती है वो ट्रैक्टर का जो फाला होता है वो छोटा होता है और जो हल का फाला होता है वो बड़ा होता है, जिससे हमारा जो बीज होता है वो पूरी तरह छिप जाता है। तो कभी भी आप अगर अपने खेतों में इसके द्वारा हल के द्वारा बैलों को जोतते हैं तो उसमें जो फसल होती है और खेत का जो फसल होती है वो अच्छी होती है, देख सकते हैं। इसमें मेहनत तो लगती है मगर फसल अच्छी होती है, जिसके कारण हमारे जो दाना होता है वो खेतों में छिप जाता है और हम उसको प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। देख सकते हैं, तो दोस्तों पहाड़ों में हम जो हल को जोतते हैं, क्योंकि यहाँ के खेत जो होते हैं सीढ़ी नुमा होते हैं, जहाँ पर ट्रैक्टर का आना संभव नहीं होता वहाँ पर हम बैलों के द्वारा फसल को बीजते हैं। और जहाँ पर प्लेन होती है ज़मीन, तो वहाँ के जो खेत होते हैं मैदानी इलाके, वहाँ पर हम ट्रैक्टर का सहारा लेते हैं। और जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं उनमें हम बैलों का सहारा लेते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हल कैसे जोता जाता है और ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जिससे मैं आपको जो हमारे देश की पुरानी सभ्यता है जिसका हम यूज़ करते हैं वो यही है। ट्रैक्टर तो अभी नई तकनीक में अभी आए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।